वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज मैं कुछ बात करना चाहता हूँ एक बहुत ही गंभीर विषय पर। तो पहली बात तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि एक न्यूज़ यहाँ पर है कि समीक्षा ने पास की यूपीएससी परीक्षा, किसान की बेटी ने पहले ही प्रयास में मारी बाजी। देखो, पहली बात तो ये है कि हाँ, इस बच्ची ने जो भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, यूपीएससी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, उसके लिए इसको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। पर कुछ न्यूज़ वालों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ चीज़ों पे आपको थोड़ा रीवेरीफाई करना चाहिए, उन चीज़ों को तब डालना चाहिए। जैसे कि लिखा हुआ है, मेधावी को दिल्ली का आर्डर मिला। देखो, कार्डर तब अलॉट होता है जहाँ तक मुझे जानकारी है कि जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपको मिलता है कार्डर। और पहली बात यह है, इसमें इनको पहले से ही आईपीएस बना दिया गया है कि इन्होंने आईपीएस अधिकारी बन गई। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मैं कुछ चीज़ों पे हाईलाइट करना चाहूँगा कि जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये ऑल इंडिया सर्विसेज की 2 बार में 5 जून व 16-17 सितंबर को हुई परीक्षा में 21 वर्षीय समीक्षा ने अपना मुकाम हासिल किया। देखो, ये जो परीक्षा हुई थी 5 जून को जो परीक्षा हुई थी, दैट वाज प्रीलिम्स, जो एग्ज़ाम होता है वो हुआ था, और 16-17 सितंबर को इसमें मेंस के एग्ज़ाम्स होते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, ये प्रोसेस होती है। आप सबको आई गेस पता होगा कि 1750 का नंबर होता है और 275 का इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो वो मैं बात बाद में करते हैं कि क्या क्या प्रोसेस होता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम आपको ये बताते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसने मेंस का जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई किया। अभी कोई आईपीएस नहीं बनी हुई, अभी उसका इंटरव्यू का प्रोसेस बचा हुआ है। तो देखो, उसने क्वालिफाई किया, वो अच्छी चीज़ है, पर उस चीज़ को बहुत ज़्यादा तरह से उसको हाईलाइटेड करना, इट्स नॉट गुड थिंग, है ना। पहले उसको अपनी पूरी परीक्षा का पड़ाव पास कर लेने दो, वो ज़्यादा सही रहता है। उसके बाद आप कह सकते हैं कि हाँ, ये चीज़ अच्छी है, बधाइयाँ भी दे सकते हैं, बधाई देने वाली बात है आप भी, पर उस चीज़ को आपको ध्यान में देना होगा कि यार, इतनी जल्दी नहीं हम किसी को इतना ज़्यादा फेम में ला सकते हैं जस्ट बिकॉज़ कि वो चीज़ पूरी तरह से सच ना हो। अगर आप ही अज्यूम करिए आप कोई एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई करते हैं, या आप अभी उसके बीच स्टेज में हैं और आपसे कह दिया जाए कि आप पूरा एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं, तो आप खुद सोचिए आपके पास कितना मेंटली प्रेशर होगा। अब वो लड़की अभी इंटरव्यू भी देगी जाके, तो उससे पहले ही उसके दिमाग में मेंटली प्रेशर होगा कि लोगों ने इतना मुझको हाईलाइट कर दिया है। तो पहली तो बात यह है कि वो आईपीएस अभी नहीं बनी है, उसने मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है, अभी वो इंटरव्यू देगी जिसका प्रोसेस 30 जनवरी से स्टार्ट होगा, है ना। तो मैं आपको एक चीज़ भी दिखा देना चाहता हूँ प्रूफ के तौर पे, ये देखिए। जैसे कि मैं आपको प्रूफ दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, प्रीलिमरी जो एग्ज़ाम तुम्हारा था, ये आपका एडमिट कार्ड जो आया है, ये देख लीजिए, 10 मई 5 जून 2022 को आया था, एग्ज़ाम हुआ था 5 जून को, और रिज़ल्ट जो आया था वो 22 जून को आया था, जो वहाँ पे मेंशन है कि 22 जून को 5 जून को एक परीक्षा हुई थी, वो प्रीलिम्स की परीक्षा हुई थी, है ना। मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था वो एडमिट कार्ड 30 अगस्त से लेकर 25 सितंबर तक आए हुए थे, एग्ज़ाम 16, 17, 18, 24 एंड सो ऑन सितंबर को हुआ था, वो भी वहाँ मेंशन है। ठीक है, रिजल्ट अवेलेबल 6 दिसंबर, वहाँ पे दिया गया है न्यूज़पेपर में कि 6 दिसंबर को इंटरव्यू का रिजल्ट आया, ऐसा कोई रिजल्ट नहीं आया, अभी इंटरव्यू हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो जो इंटरव्यू होगा वो हमारा 30 जनवरी से स्टार्ट होगा 2023 से, तो उस इंटरव्यू के लिए वो लड़की प्रिपरेशन कर रही है, अभी इंटरव्यू का प्रोसेस है, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आता है। ठीक है, तो पहली बात तो इस अफवाहों पर ना पड़ें कि हाँ रिजल्ट, मैं उस चीज़ पे जेलसी फील नहीं कर रहा हूँ, मैं मतलब बस यही बताना चाह रहा हूँ कि हाँ, ये चीज़ अभी 100% जेन्युइन नहीं है, और उस चीज़ पे आप लोगों को ध्यान देना चाहिए ना।